हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आपको पता है कि मैं थ्योरी करवा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुका हूं, और अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी करें तो उसके भी सारे क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। अगर आप ट्वेल्थ में है तो उसकी मैंने अच्छे से थ्योरी करवा रखी है, ट्वेल्थ की, टेंथ की, बीए की, इसकी सारी की थ्योरी मैंने करवा रखी है। मैं एक तरफ से बेसिक से लेके हायर लेवल तक सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए, आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है सप्तक। और एक चीज आपको याद रखना है, जो मैं एंड में आपको टॉपिक करवाता हूँ ना, वो आज का टॉपिक नहीं होता, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होता है, ठीक है? वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्तक किसे कहते हैं? देखिए, सप्तक किसे कहते हैं? क्रम अनुसार सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बस क्रम अनुसार सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, क्रम से हो, ठीक है? सा रे गा मा प ध नी सा, ये क्रम से है तो ये सप्तक कहलाएगा। अगर क्रम से नहीं होगा, म प ध नी सा रे गा, ये नहीं कहलाएगा, ठीक है? क्रम अनुसार होना चाहिए, और सात स्वरों के समूह, एक समूह बन गया, उसे सप्तक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात यह, सप्तक को तो हमने समझ लिया, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक तीन प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब जान लेते हैं कि मंद्र सप्तक किसे कहते हैं। तो सुनिए, मंद्र सप्तक के ठीक पूर्व, सॉरी ये मध्य है, ठीक है, मध्य सप्तक के ठीक पूर्व का सप्तक मंद्र सप्तक होता है, ठीक है? देखो, जो मध्य सप्तक होता है ना, बीच का स्वर, बीच का जो होता है, उसके जस्ट पूर्व का जो होता है वो क्या होता है, सप्तक कौन सा होता है? वो आपका मंद्र सप्तक होता है। आपने हारमोनियम देखा होगा, हारमोनियम ऐसे होता है, ठीक है? तो यहां पे उसकी ये बटन्स हो गए, 36, 39, अलग अलग सप्तकों में अलग अलग होता है। तो जो इस तरफ का होगा ना, इस तरफ का पूर्व का, हाँ, वो आपका क्या होगा, मंद्र सप्तक होगा। मंद्र सप्तक को खरज भी कहते हैं, ठीक है? फिर आपका जो बीच में होता है सप्तक, जो बीच की होती है सात स्वरे, सारे गामा पद नी तक, तो वो आपका हो जाएगा क्या, मध्य, ठीक है? और जो लास्ट की जो होती है इस तरफ की, मध्य सप्तक के बाद की, वो हो जाती है तार। वो क्या होती है, तार सप्तक। लेकिन हम तो जानते हैं कि हारमोनियम आप भी प्ले करते हो तो आपको पता है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछा जाता है फिर सोच में आता है कि क्या लिखे। तो आपको यही लिखना है कि मध्य सप्तक के ठीक पूर्व का सप्तक मंद्र सप्तक होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक किसे कहते हैं? मध्य सप्तक का अर्थ है बीच का, अर्थात जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं। देखिए, मध्य सप्तक होता है बीच का, जिसमें हम ज्यादातर गाते बजाते हैं, हम ज्यादातर गाने गाते हैं, गजल गाते हैं, सूफी गाते हैं, लाइट सॉन्ग गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, जो भी हम गाते हैं, भजन कीर्तन जो भी करते हैं, वो ज्यादातर किस में होता है, मध्य सप्तक में होता है, ठीक है? तो वही ये लिखा गया है कि मध्य सप्तक का अर्थ बीच, बीच का अर्थात जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम उसी में गाते बजाते हैं, जिसके स्वर अधिक नीचे या अधिक ऊंचे नहीं होते। इसके जो स्वर होते हैं वो ना अधिक ऊंचे होते हैं ना अधिक नीचे ही होते हैं, वो सामान्य होते हैं, बीच में होते हैं, उस मध्य सप्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य सप्तक कहते हैं। यह मंद्र और तार सप्तक के बीच का सप्तक है, और यह मंद्र सप्तक और तार सप्तक के बीच का सप्तक है। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये एक दो नंबर में आता है तो। मध्य सप्तक का अर्थ अर्थात बीच का, जो स्वर बीच का हो, जो बीच का सप्तक होता है वो मध्य सप्तक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जिस सप्तक पे हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं, जो हम ज्यादातर जिसमें हम गाते बजाते हैं वो मध्य सप्तक होता है, या जिसके स्वर अधिक ना नीचे होते हैं ना अधिक ऊपर होते हैं, ना अधिक ऊंचे होते हैं ना अधिक नीचे। यहाँ पे अधिक का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं सा रे ग म प ध
नी, यहां तक होते हैं ना, ये मध्य सप्तक हो गया आपका। हाँ, तो अधिक का प्रयोग क्यों क्यों यहां पे मैंने लिखा है अधिक, वो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर नीचे तो ये है, सा नीचे है, ले अधिक नीचे नहीं है, नी ऊपर तो है लेकिन अधिक ऊपर नहीं है, इसलिए इस अधिक का प्रयोग किया गया है। जिसके स्वर अधिक नीचे नहीं होते, अधिक नीचे तो है, सा तक है, म ग रे सा, सा तक नीचे हो है, नी के नी से कंपेयर करोगे तो सा नीचे है ना, इसलिए जिसके स्वर अधिक नीचे या अधिक ऊंचे नहीं है, अधिक ऊंचा नहीं है, सामान्य है, सामान्य ही तक है ये स्वर। हाँ, अधिक ना ऊंचे होंगे ना अधिक नीचे होंगे, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। यह मंद्र और तार, देखो मंद्र और ये तार सप्तक के बीच का सप्तक है, यह मंद्र और तार के बीच का सप्तक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने इससे पहले बहुत सारी थ्योरी क्लास मैंने करवा दी है, वो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप और वहां पे जाके आप म्यूजिक थ्योरी क्लास देखेंगे। ठीक है, म्यूजिक थ्योरी क्लास देखेंगे, वहां पे म्यूजिक थ्योरी क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो क्लास नहीं देख रखी है, संगीत किसे कहते हो, तो आप ये वाला देख सकते हैं, उत्पत्ति, ये सारी चीजें मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। उसके बाद नाद का देखना है तो ये वाला देखिए, उसके बाद मैंने एक और करवाया था वो वाला देखिए, सारी आप चैनल पे जाइए और अधिक से अधिक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। तार सप्तक, मध्य सप्तक के ठीक बाद के सप्तक को तार सप्तक कहते हैं, मध्य सप्तक के ठीक बाद के सप्तक को तार, मैंने यहां पे बताया था ना आपको, मंद्र मध्य तार, मध्य सप्तक के ठीक बाद के सप्तक को तार सप्तक। ये क्या बनाया मैंने, हारमोनियम, ठीक है, ये मैंने बना रखा है हारमोनियम, मंद्र मध्य और तार, मध्य के ठीक बाद के सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक से दुगना ऊंचा मध्य सप्तक तथा मध्य सप्तक से ठीक दुगना ऊंचा तार सप्तक होता है। देखो जो मंद्र सप्तक होता है ना, मंद्र सप्तक, ये इसके ठीक दुगना ऊंचा क्या होता है, मध्य सप्तक, और मध्य सप्तक से ठीक दुगना ऊंचा क्या होता है, तार सप्तक। ठीक है, अब कैसे होता है वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। जैसे थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूं जिससे आपको अच्छे से कुछ चीजें बतानी है तो बताना पड़ेगा। देखिए, सा रे ग म प ध नी सा, उसके बाद रे, ठीक है, ग म प ध नी, ठीक है, इधर आ जाते हैं हम, नी ध प म ग रे, ठीक है। ये देखिए, अब यहां ये जो स्वर है आपका क्या हो गया, ये मंद्र, ठीक है, और ये जो आपका स्वर होगा यहां तक जो हो गया सा से नी तक, ये हो गया मध्य, और सा से लेके नी तक जो होगी ये हो गया तार। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा था, जो मंद्र सप्तक जो होता है उसका दुगना ऊंचा क्या होता है, मध्य सप्तक, और मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है तार सप्तक। कैसे, ये जो रे है इसका सेम दुगना ऊंचा ये है, हाँ इसका सेम ऊंचा ये है। अब इसको मैं, आप इसकी आंदोलन संख्या जो होती है, इसकी कितनी होती है, सा की आंदोलन संख्या 240, ठीक है, और इस इधर की जो सा आएगा, यहां जो सा आएगा, इसकी आंदोलन संख्या की होगी ठीक इसकी आधी होगी। आंदोलन संख्या मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, तो वो आंदोलन संख्या आपको मैं बाद में, वो बाद का टॉपिक है तो बाद में बताऊंगा अच्छे से। 240 है सा की आंदोलन संख्या, 240 है तो ठीक इसका ये कितना हो जाएगा, इसका आधा 120, तो ये इसका 120 है, इसकी आंदोलन संख्या है, इसका कंपन जो है, इसकी जो आंदोलन है संख्या है वो 120 है, और इस मध्य सप्तक की जो सा की आंदोलन संख्या है वो 240 है।
ठीक है, और ठीक इसके दुगना ऊंचा। ये 480, ठीक इससे दुगना ऊंचा आपका होगा ये सा। तार सप्तक का सा जो होगा वो 480, इसकी आंदोलन संख्या होगी 480। तो ये इसके दुगना ऊंचा है, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक दुगना ऊंचा होता है, इससे मध्य सप्तक से ऊंचा क्या होता है, दुगना ऊंचा तार सप्तक होता है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से इसकी आंदोलन संख्या अलग होती है, इसकी 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 सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको बेसिक से पूछा जा रहा है, तो बेसिक में आपको सिर्फ यही बताना होता है कि मध्य सप्तक किसे कहते हैं, मंद्र सप्तक किसे कहते हैं, मध्य सप्तक किसे कहते हैं, तार सप्तक किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरीके से पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछना। अब हम आ जाते हैं ठाट पे, ठाट किसे कहते हैं। ये आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ठाट किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ठाट को अच्छी तरीके से एक एक चीज ठाट के बारे में मैं उसमें बताने वाला हूं, ठीक है। आज सिर्फ हम जानेंगे ठाट किसे कहते हैं, ताकि जो लास्ट में करवाता हूं वो उसका मतलब यह है कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मैं वही करवाऊंगा अच्छी डीपली से, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। ठाट सात स्वरों का वह समूह, सात स्वरों का वह समूह जिसमें सातों स्वरों का शुद्ध, क्या शुद्ध अथवा विकृत, अथवा विकृत, इस स्वर मिट गया था, मिटाया था तो मैंने, कोई ना कोई रूप अवश्य हो और जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके, ठाट कहलाता है। अब आप बोलोगे सात स्वरों का वह समूह, सात, देखो सात स्वरों के समूह को क्या कहते हैं, क्रम अनुसार सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, और यहां भी समूह तो यहां भी है, सात स्वरों का साथ ही है, स्वर भी है, सात स्वरों का समूह बन रहा है यहाँ पे भी, सात स्वरों का समूह जिसमें सातों स्वरों का, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शुद्ध ही होगा। सात स्वरों का वह समूह जिसमें सातों स्वरों का शुद्ध अथवा विकृत कोई ना कोई रूप अवश्य हो। आप जब राग गाते हो तो आप देखते हो उसमें कि उसमें कौन कौन से विकृत लग रहे हैं, कौन कौन से वो कैसे पता चलता है, वो उसके शुद्ध विकृत से ही तो पता चलता है कि वो उसका ठाट क्या है, उसके शुद्ध विकृत, उसके कोमल से ही पता चलता है, उसके चलन से पता चलता है, और विकृत स्वरों से पता चलता है, स्वरों से पता चलता है। तो उसके शुद्ध अथवा विकृत कोई ना कोई रूप अवश्य होता है, ठीक है, उसे ही ठाट कहते हैं। दूसरी शब्दों में जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके ठाट कहलाता है, जिससे रागों, सात स्वरों का वह समूह जिसमें रागों की उत्पत्ति हो सके। बहुत तरीके से इसके डेफिनेशन को हम बोल सकते हैं, बहुत तरीके से इसके डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं। मैं सबसे साधारण तरीका आपके सामने लाता हूं, सात स्वरों का वह समूह जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके, जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके, सात स्वरों का वह समूह जिसमें रागों की उत्पत्ति हो सके ठाट कहलाता है, ये लिख सकते हैं आप। या तो सात स्वरों का वह समूह जिसमें शुद्ध अथवा विकृत कोई ना कोई रूप अवश्य हो और जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके ठाट कहलाता है। समझ में आ गया? और एक नोट में मैंने एक चीज और लिख दिया है यहाँ पे, हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं, 10 ठाट होते हैं। ये जो 10 ठाट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा, ठाट भी बताऊंगा, और जो कौन कौन से ठाट होते हैं और ठाटों के बारे में जो सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको मंद्र सप्तक, मध्य तार सप्तक के बारे में और ठाट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो अपने एग्जाम की तैयारी एकदम डट के करो, और कल कर भला तो हो भला, तो यही कहावत है कि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका ही भला होगा। तो चैनल को शेयर जरूर करना ताकि सभी तक वीडियो पहुंचे और सभी की हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही,
तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।